थाना एक्सप्रेसवे पुलिस द्वारा ठग ठग गैंग के नाम से कुख्यात अंतर्राज्यीय दो शातिर अभियुक्तों को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया। प्रकाश में आए दो अन्य वांछित अभियुक्तों, एक पुरुष एक महिला, को गिरफ्तार किया गया। अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशन में बीती रात थानाध्यक्ष एक्सप्रेसवे और उनकी टीम द्वारा पुलिस मुठभेड़ में दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। ये अभियुक्त दीपक और तरुण है। दीपक और तरुण का एक लंबा आपराधिक इतिहास है। दीपक के विरुद्ध करीब 127 अभियोग दिल्ली और आसपास दर्ज हैं। इसके अलावा जनपद गौतम बुद्ध नगर और आसपास में इसके विरुद्ध 57 मुकदमे हैं। इसके साथी के ऊपर भी अभियोग पंजीकृत है। जब इनसे पूछताछ में यह तथ्य प्रकाश में आया कि इनके द्वारा गुलेल के माध्यम से कार के शीशे तोड़ दिए जाते हैं और कार से महंगे लैपटॉप या अन्य वस्तुओं को चोरी कर लिया जाता है और इनके द्वारा इन सामानों को जितेंद्र और नेहा को दिया जाता है। पुलिस टीम के द्वारा जितेंद्र और नेहा की भी गिरफ्तारी की गई है। इनके कब्जे से जो चोरी के माल बरामद हुए हैं उसमें महंगे लैपटॉप हैं, बैग्स हैं, मोबाइल्स हैं। इसके साथ साथ जो ये घटना में गुलेल इत्यादि का प्रयोग करते हैं वो बरामद हुए हैं। ये इन अभियुक्तों का अंतर्राज्यीय एक रैकेट है। बाकी इनके साथियों के बारे में हमारे द्वारा जानकारी की जा रही है और उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। कितने मुकदमे हैं इनके ऊपर? इनके ऊपर करीब 200 की जानकारी हुई है दीपक के विरुद्ध, और बाकी इसके साथियों के विरुद्ध भी जो जानकारी हुई है उसको हम और प्रयास कर रहे हैं जानकारी करने का।